सॉरी नोटिफिकेशन 2019 में आया था, रिजल्ट 2022 में आया, और हम लोग को ज्वाइनिंग की जगह पिछले बैक डेट से ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा ये कहना है इनके बनाए गए नियम से हम लोग क्वालिफाई हुए, इन्होंने अपने ही नियम की तरह हमारा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया, अब ये नियम ही चेंज कर रहे हैं। एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई हम लोग 4 साल 5 साल इस सब चीज़ सारे परिवार का इमोशन सब कुछ हम लोगों ने इसमें दे दिया है, अब हमारे साथ इतना बड़ा इंसाफ ना ही करे सरकार। आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे, देखिए इस वक्त मैं गर्दनी बाग के पास मौजूद हूँ, यहाँ पे धरना स्थल के पास आया हुआ हूँ। बीपीएससी के थ्रू सहायक अभियंता के लिए 2019 में वैकेंसी आया था, जिसके लिए इन लोगों ने आवेदन किया था। आप देख सकते किस तरह से यहाँ पे ये सब बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर 2019 में सहायक अभियंता के लिए पद के लिए लोगों ने आवेदन किया था। अब 2022 में इन लोगों का रिजल्ट आया है और सरकार ने उस रिजल्ट को खारिज कर दिया। इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, बस ज्वाइनिंग का डेट आना बाकी था, लेकिन सरकार ने एक नया अमेंडमेंट लाया है जिसके थ्रू इन लोगों का जो ज्वाइनिंग था वो कैंसिल हो चुका है। तो अब इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों की क्या मांगे हैं। ये बताइए कि आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? ज्वाइनिंग के लिए सर, हम लोगों का एग्जाम दिए 2019 में, सॉरी नोटिफिकेशन 2019 में आया था, रिजल्ट 2022 में आया, और हम लोग को ज्वाइनिंग की जगह पिछले बैक डेट से ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा रूल? इन्होंने 25% वेटेज दे दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर को, जो गेट के थ्रू लिए थे इन्होंने, उसको 25% वेटेज दिया है। तो ये बैक डेट में नहीं दे सकते हैं, आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाइए ना। अगर ये देना था तो 4 साल पहले बता देते हम लोगों को, तो हम लोग तैयारी नहीं करते, एज सिंपल एज दैट। वैकेंसी कब आया था आप लोगों का और जो ज्वाइनिंग का डेट, क्या ज्वाइनिंग का डेट आया था या नहीं आया था? ज्वाइनिंग का डेट डीवी हो चुका था, ज्वाइनिंग का डेट आने ही वाला था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। एक्चुअली ये वैकेंसी 2019 की है सर, ठीक है, और 2022 में रिजल्ट आता है, हम लोग का डीवी हो जाता है, और बैक डेट में कोई रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मेन मैटर करता है कि बैक डेट में आप कोई रूल नहीं अमेंड कर सकते हैं जी, क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता तो हम लोग तैयारी नहीं करते, हम लोग का 5 साल वेस्ट भी नहीं होता ना। हम लोग जॉब छोड़ के आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ जॉब छोड़े हुए हैं, एक दो कोई एनटीपीसी में छोड़ा है, कोई ओएनजीसी में छोड़ है, क्योंकि सबको अपने राज्य को सेवा करना होता है। अपने घर के पास अगर आपको सेवा करने का मौका मिले इससे बेहतर क्या हो सकता है, और हम लोग ऑलरेडी जॉब छोड़ दिए हैं, तो हम लोग का वेस्ट चला जाएगा 6-7 साल, और हम लोग एज भी क्रॉस कर चुके हैं, अब कोई वैकेंसी हम लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे बैठे हुए धरना के लिए कब तक बैठेंगे? सरकार ने जो नया अमेंडमेंट लाया है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा ये कहना है इनके बनाए गए नियम से हम लोग क्वालिफाई हुए, इन्होंने अपने ही नियम की तरह हमारा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया, अब ये नियम ही चेंज कर रहे हैं। तो नियम अगर चेंज भी करते हैं तो आप आगे से लागू कीजिएगा ना, आज नियम बना के पीछे। वैकेंसी कौन से डेट में आया था? वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन निकला था 2019 में, मार्च 2019 में। और रिजल्ट कब आया आप लोगों का? रिजल्ट आया जुलाई में 2022 में, और ये लोग संशोधन किए ये नवंबर 2022 में। संशोधन का क्या पूरा मामला है, क्या बताइए उसे? संशोधन का ये मामला है कि इन्होंने ना संविदा पे जो कार्यरत हैं उनको 25% वेटेज दे रहे हैं मार्क्स में, इसके कारण वो हम लोग से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और जब हम लोग का सब कुछ हो गया है तो फिर आपको ये सब करना है तो आगे से डेट से कीजिए ना, बैक डेट में क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग को बस ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट अलॉट होना बचा हुआ था। ये बताइए कि ज्वाइनिंग आप लोगों का बाकी है, ठीक है, अब ज्वाइनिंग अगर नहीं करते हैं, सरकार ज्वाइन नहीं करवाती है, तो आगे क्या करेंगे? हमारे पास कुछ खोने को है नहीं, हम सड़क पे उतरेंगे, इसी धरना में बैठे रहेंगे, दर दर भटकेंगे। फुटबॉल बन चुके हैं हम लोग डिपार्टमेंट के लिए, एक अधिकारी कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहता है तीसरे के पास जाओ, तीसरा कहता है चौथे के पास जाओ। देखिए सब एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई हम लोग 4 साल 5 साल इस सब चीज़ सारे परिवार का इमोशन सब कुछ हम लोगों ने इसमें दे दिया है, अब हमारे साथ इतना बड़ा इंसाफ ना ही करे सरकार। जिस नियम के तहत एग्ज़ाम लिया, फाइनल रिजल्ट दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उसी नियम के तहत हमें ज्वाइनिंग दे बस, और एक कर जोड़ के हम लोग प्रार्थना करते हैं सरकार, किसी भी अधिकारी से किसी भी मंत्री तक हमारी बात पहुंच जाए, प्लीज़ हमारे साथ जस्टिस कीजिए, इनजस्टिस मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास सच में खोने कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं है। हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्वालिफाई करके एक लेवल 9 का जॉब निकाल के गजेट ऑफिसर बन के हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2019 में हम लोगों ने जॉब छोड़ दिया, अगर ये नोटिफिकेशन मेंशन होता तो हम जॉब ही नहीं छोड़ते। आज हम पर ऑलमोस्ट सबके 10-10 मेंबर है उसमें, सबका भूखा भूख पर आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे वो लोग। अगर 19 में ये वैकेंसी में नोटिफिकेशन मेंशन होता तो हम जॉब क्यों छोड़ते, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसमें। ये बताइए कि 2019 में आप लोगों ने अप्लाई किया था,
अब 2022 में रिजल्ट भी आ गया है, ज्वाइनिंग का डेट बस आना बाकी था, तो सरकार को फिर ऐसा संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें सीधा सामान्य प्रशासन विभाग और RCD इन दोनों के मिलीभगत की बात है और उन लोगों के कारण हमारा ज्वाइनिंग रुका हुआ है। उन लोगों का है कि बैक डेट से किसी दूसरे लोगों को एंट्री दिलाना, जिसके कारण हमारा ये नियमावली नवंबर में 2022 में बनता है और लागू 2019 में होता है। ये इसमें सीधा सीधी उन कॉन्ट्रैक्ट वालों को फायदा पहुंचाने की मंशा है उन लोगों की। ये बताइए कि आप लोगों ने भी जब सहायक अभियंता के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तैयारी की, आप लोगों ने तैयारी किया, 2019 में वैकेंसी आया, तैयारी किया, एग्जाम निकाला, अब सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, अब सरकार ने ऐसा संशोधन कर लिया है, कैसा लग रहा है, अब क्या करेंगे आगे? बुरा लग रहा है क्योंकि इतना 3-4 साल तैयारी करने के बाद, एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद, DV हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, जब कोई ऐसा नियम आता है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों ने सरकार एडवर्टीजमेंट जो था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। और अगर ऐसा आपको नियम लाना ही था तो 2019 से 22 तक काफ़ी समय है आपके पास, आप सोच समझ के एडवर्टीजमेंट निकालते, जब आप एक बार रिजल्ट निकाल चुके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके, उसके बाद नियम में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई सरकार को? क्या करेंगे आगे अब आप? सर क्या करेंगे, हम लोग इसी की तैयारी कर रहे थे, मतलब 4 साल से हम लोग इसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। जब 2019 में जब एडवर्टीजमेंट आया तो इसकी पहली एग्जाम की डेट आई थी 2020 में, जब कोरोना हो रहा था, उसके बाद फिर वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, फिर उसके बाद 2021 में 2 बार कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, पोस्टपोन होते होते हम लोग हर बार जब भी एग्ज़ाम की डेट आती थी इसी की तैयारी में लग जाते थे, पढ़ने लगते थे, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता था, फिर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते थे। फाइनली हम लोग 2022 मार्च 2022 में एग्ज़ाम दिए, सब कुछ क्लियर हो गया। एग्जाम कब दिया था आपने? 2022 में, मार्च 2022 में। मार्च 2022 में दिया था। हाँ, रिजल्ट कब आया? जून 2022 में रिजल्ट आ गया था और जुलाई 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। मुश्किल से 10-15 दिन भी नहीं हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, बस 20 दिन में बोला था BPSC के चेयरमैन ने, मतलब BPSC की तरफ से ही बोला गया था कि हाँ 20 से 25 दिन में आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, करा दी जाएगी। उसी बीच में कुछ संविदा कर्मियों ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया, उन्होंने बोला कि हमें 25% वेटेज दिया जाए। ये वैसे संविदा कर्मी थे जो असफल रहे थे, जो एग्ज़ाम निकालने में असफल रहे थे। सामान्य प्रशासन विभाग और RCD ने बिना कोर्ट के निर्देश से नवंबर 2022 में एक नया नियम लाया और इसे लागू किया 6 मार्च 2019 में सहायक अभियंता का एक कुछ नियम आया था जिसमें बोला गया था कि अब से एग्ज़ाम ऐसे होगा और ये रूल्स होंगे। उसी रूल्स पर हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ उसी रूल के बेसिस पे हुआ, लेकिन अब वो बोलते हैं कि अब हम उस रूल को चेंज कर रहे हैं और 25% वेटेज दे रहे हैं। अब ये बताइए आप लोग, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हमको तो नहीं लगता है कि सरकार आप इस मंशा से है कि हम लोग को, मतलब आप एक तरफ देख रहे हैं बिहार सरकार बोलती है युवाओं को, लड़कियों को, लड़कों को आगे बढ़ाएंगे, और जब करने की बात आती है, जिनका जॉब हो चुका है, जो सेलेक्टेड है, उनको जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो ये हाथ पीछे कर लेती है। हम लोग देख रहे हैं 6 महीना से हर डिपार्टमेंट, चाहे वो नेताओं से मिल रहे हैं और जो RCD डिपार्टमेंट हो गया, BCDO सबसे मिल रहे, सबसे जगह से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, कोई ये नहीं कहता है कि हम लोग का ज्वाइनिंग कब होगा, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। और ये बैकडोर से संविदा वालों को, मतलब इस ज्वाइनिंग में लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी इन्होंने नए अधिनियम, नए रूल बना के लाया जा रहा है। हम लोगों ने जब एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी किया, 4 साल का इंतजार करने के बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुए हैं, वेरिफिकेशन हो गया है, अब ज्वाइनिंग होने की बात आई तो सरकार अब हाथ पीछे कर रही है, और जो संविदा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है, उन्हें दोबारा परमानेंट करने की कोशिश की जाए। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा कैसी है, जो सही में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि केवल दिखावा कर रही है सरकार। देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने लिख रखा है किडनी लो और ज्वाइनिंग दे दो, क्या किडनी देने के लिए तैयार हैं ज्वाइनिंग के लिए? बिल्कुल किडनी देने के लिए तैयार हैं। ज्वाइनिंग नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे फिर, समोसे और पकौड़े बेचेंगे। ये जो वैकेंसी आप लोगों का 2019 में निकला था, टोटल कितने सीट्स थे? सीट 240 का सिलेक्शन हुआ है। हाँ। 2019 में टोटल ऐसे हम लोग हैं इस 305। तो लगता है कि सरकार अब मांगे सुनेंगी आप लोगों की? सुननी चाहिए, क्योंकि हम लोग गलत पे नहीं है, सरकार गलत पे है। जिस नियम पे वो नियम, ये एडवर्टाइजमेंट लाती है, एग्जाम लेती है, रिजल्ट निकालती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, अब नियम पलट कर वो ज्वाइनिंग क्यों लेगी? उसी नियम से वो हमारी ज्वाइनिंग ले। कितने दिनों से बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे धरने? हम लोग 16 तारीख से बैठे हुए हैं। 16 तारीख से क्या करेंगे आगे?
हम लोग तो अपने ज्वाइनिंग को लेकर बैठे हैं, जब तक हम लोग को नियुक्ति उम्मीद तो है, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी उसी उम्मीद पे हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं आपने देखा किस तरह से अपनी अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हुए सरकार से मांग कर रहे हैं। 2019 में वैकेंसी निकला था जिसके लिए इन्होंने तैयारी की, परीक्षा निकाला। 2022 में इनका एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, जून में इनका रिजल्ट आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इनका हो चुका था सहायक अभियंता के पद के लिए, बीपीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। और अब जब इनका ज्वाइनिंग का डेट आना था, इससे पहले ही सरकार ने एक संशोधन करके इनके ज्वाइनिंग के डेट से महज 2 दिन पहले का संशोधन किया और एक नया नियम ला दिया कि अब इन लोगों का ज्वाइनिंग जो है अटक चुका है। तो अब देखा ये जाएगा कि सरकार इनकी मांगों को सुनते हैं या नहीं सुनते। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।